ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार सपोर्ट आपके अपने चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, भोलेनाथ आपको हमेशा खुश रखें। मुझे अक्सर ये बात कमेंट्स में पूछी जाती है कि पंडित जी, हम किसी को अपने वश में कैसे कर सकते हैं, क्या कोई हमारे वश में हो सकता है? अगर हो सकता है तो वो कौन सा तरीका है? दूसरी बात इसमें ये भी कही जाती है कि किसी ने कुछ कर दिया है या किसी ने कुछ करवा रखा है और किसी ने हमारे पति को, हमारे बच्चों को, हमारे ससुर को, सास को, भाई को, नड़न को, दोस्त को, मतलब जितने सारे संबंध हैं उनमें ये बात मोटे तौर पर कहते हैं कि उनको किसी ने कुछ कर रखा है और उसे कोई के वो वश में है। तो ये पूरा मामला क्या है, इसका सच क्या है, इस पूरे वीडियो में हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये जानने के बाद शायद आपको सही जानकारी मिल पाए। तो इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और चीज़ों को बहुत बारीकी से समझ लें ताकि आपको कभी भी इस तरह की सिचुएशनों से सामना करना पड़े तो आप बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं। उससे पहले एक छोटा सा मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़े। कमेंट्स में आप भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखे, जो भी आपको अच्छा लगे वो नाम लिख सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शायद शेयर करना मत भूलिएगा। स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे हैं, अब व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका शुल्क, उसका फीस लागू है। दोस्तों, सीधे मुद्दे पर आते हैं, वक्त ज़्यादा गवाते नहीं। सबसे पहली बात कि जब भी कोई व्यक्ति वश में आने का एक जिक्र होता है तो एक सबसे मुख्यतः बात अपने दिमाग में हमेशा खुद को समझा ले कि कोई भी व्यक्ति किसी को अपने वश में नहीं कर सकता है। अब ये भी मैं आपको इसके जो उदाहरण है वो भी आपको समझाऊंगा और पूरी बात को आप गंभीरता से समझ जाएंगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपने कर्म का फ्रीडम है। होता सच में होता ऐसा है कि जब व्यक्ति नकारात्मक वे में होता है, जब व्यक्ति तनाव और डिप्रेशन में होता है तो वो अपने आपे से बाहर होता है, उसे सोचने समझने की क्षमता जो है वो क्षीण हो जाती है, वो बहुत टेंशन में होता है। इस वजह उसका व्यवहार जो है असहज सा लगता है, मतलब जो एक सामान्य व्यक्ति व्यवहार करता है वैसा नहीं लगता है। तो उस दरमियान जो भी उसे प्यार करते हैं, जो भी उसका सपोर्ट करते हैं, लोग उनके हो जाते हैं। वो एक मानव का नैसर्गिक स्वभाव है। आप भी अगर होगा तो आपके साथ आपका भी स्वभाव यही होगा, मेरा भी यही स्वभाव होगा। तो इसमें आप किसी व्यक्ति विशेष को दोष देकर इस तरह उलझ कर अपना वक्त समय जाया ना करें। इस समय सबसे मेन बात है कि जब भी ऐसी स्थिति बने तब कोई भी व्यक्ति के आपको सपोर्ट करना चाहिए, उसके साथ खड़ा रहना चाहिए, उसकी जो भी मनस्थिति है उसका एक डॉक्टरी जो भी इलाज है वो करा जाए और उसके साथ साथ योग, ध्यान, प्राणायाम और आध्यात्मिक जो विषय हैं उन पर थोड़ा सा उस व्यक्ति उस अध्यात्म के विषय पर व्यक्ति की ओर झुकाव बढ़ाना चाहिए, इससे ही वो बाहर आ सकता है। रही बात कोई कुछ कर देगा या कोई ये कर देगा वो कर देगा, ये सब एक झूठा फरेब है जो पैसे ऐंठने के लिए बहुत सरल सा साधन है। कभी भी कोई व्यक्ति को वश में नहीं कर सकता और ऐसा हमें लगता है तो ये एक हमारी भ्रांति है और भ्रांति होने के साथ साथ ही ये सच नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति पर किसी का वश नहीं हो सकता है। हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों की आज़ादी है, आप हम सभी कर्म की तो आज़ादी है इस पृथ्वी पर, और उस पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता, अंकुश नहीं लगा सकता। एक मानवीय जुड़ाव को आप वश में नहीं कह सकते। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और नमस्कार।